और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करने, उसके बाद मुझे अपने कॉलेज का भी काम है। बट शॉपिंग से पहले हम जा रहे हैं कुछ खाने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी हो चुके हैं 10 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा ऑलमोस्ट 10। हम लोग गौरव टावर्स आए हैं, पर हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी, पता था। हम लोग जीटी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमें ब्रेकफास्ट करना है, तो लेट्स सी कहाँ ब्रेकफास्ट करें। अभी कुछ खुला नहीं है, 10 से ज़्यादा हो चुके हैं, 10:30 हो गए, तो घूमते हैं देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मिलता है, उसके बाद करने वाले हम शॉपिंग। कहाँ हैं हम लोग? गाना पे ब्रेकफास्ट करने हैं। हम लोग काफ़ी घूम चुके थे उस तरफ, पर हमें कुछ नहीं मिला, तो फाइनली वी गॉट समथिंग कान्हा टू हैव ब्रेकफास्ट। सो लेट्स गो। मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और वो अपना ब्रेकफास्ट लेने गई है। शुरू होने वाली है इधर, यहाँ से हमारी क्लासेस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पर अभी कोई नहीं है। क्या सर? हाँ नहीं सर, एक एक कॉपी का। A few moments later. देखते हैं, मेरा कॉलेज का रिसेप्शन दिखाता हूँ। ये है मेरा कॉलेज।
इधर उस तरफ हम लोग पार्क करते थे, इधर भी पार्किंग थी और ये हमारा कैंटीन। इतनी गर्मी है यार। हाँ, और समोसा हम बाहर खाते थे। ये है हमारा। तो अभी आ रहा है मेरा फ्रेंड सौरभ, जो बहुत लेट कर चुका है। ऑलरेडी 1 आवर हो गया है सौरभ को आने में। उसको कॉल करती हूँ मैं फिर से, कब पता नहीं कहाँ है वो। रिक्शा, तुझे कैसा लग रहा है इतने सालों बाद कॉलेज आके? बहुत मतलब बुरा लग रहा है, बट हाँ अच्छा भी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, लेकिन अब पहले जैसी फील नहीं रही ना यार। पहले जैसा फील नहीं ना, पहले जैसा ना ही कोई क्राउड रहा, ना ही कोई मस्ती, ना ही बस सब सिंपल। वो ऐसा होता है ना, जब अपने टाइम पे ही वो वाइब होती है, उसके बाद वो नहीं रहती, वैसा हो चुका है। अब मैं खुद अब बोर हो रही हूं। हम लोग जब कॉलेज में थे तब तक यहां सब अच्छा था, सब अच्छा था, सब कुछ ऐसे लगता है कॉलेज। हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, जूनियर, सीनियर सब अच्छे थे उस टाइम। अब तो कोई भी दिख भी नहीं रहा, बोरिंग सा हो गया है। अब हमारे लिमिटेड फ्रेंड्स हैं, कुछ कुछ की तो शादी हो गई, कुछ कुछ के बच्चे हो गए, कुछ कुछ के बच्चे हो गए। हम वैसे के वैसे ही हैं अभी तक, अभी सिंगल, इसीलिए हम मिल पाए, पता है वही रीज़न हम मिल पाए। शादी हो जाती होती तो हम लोग नहीं मिल पाते। Thousand years later. Hi, Soro. कैसा है? बस बढ़िया। Hi, Soro. अच्छे से यार। उसके बाद हमने लंच किया और फिर हम किससे मिलने गए, चलो मैं आप सबको मिलवाती हूँ। ठीक है, मैंने इनको एक कुर्ता और एक झुमका दिलाने के लिए बोला, वो भी ओनली 800 के अंदर। चलो मैंने इनको बजट दे दिया कि 800 से 1000 के बीच में। फिर भी ये क्या बोल रहे हैं कि मैं तेरी शादी में दूंगा ये वो, क्या 10000 का, 5000, वो सब चाहिए नहीं ना, अभी चाहिए। आप दिला रहे हो कि नहीं हमें? शाम हो गई है। कुछ नहीं होता है, शाम को लेना अच्छा होता है, शुभ होता है। हम लोग मंदिर जाने वाले हैं अभी, है ना दीक्षा? सुनो, ये अंकल की ड्रेस, आप हमें पुलिस वाले अंकल की ड्रेस दिलाओगे? नो, आप हमें एक एक सूट यार हद है, मतलब सूट दिलाओगे, एक एक और झुमका दिलाओगे, वेस्ट वेस्ट हो आप, वेस्ट। बाय। अभी हम लोग नेशनल हैंडलूम आए वैशाली नगर की चाय पीने के लिए। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है हम दोनों का, मैं चाय लेके आ गई। कैसे उड़ाते हैं इससे? खेलते कैसे कैसे खेलते हैं? इधर हाय करो, देखो इधर। सो गाइस, हम फाइनली घर आ गए। हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं। आंटी ने हमारे लिए गरम गरम रोटी, सब्जी और दही है मेरे लिए बनाया, खाएंगे फिर सोएंगे। उसके बाद कल मुझे निकलना है। सो अभी के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग गाइज। सो अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, क्योंकि मेरी वहाँ से बस है सुबह की और दीक्षा मुझे ड्रॉप कर रही है। सो बाय बाय जयपुर, मिस यू।
सो गाइज मैं घर पहुँच चुकी हूँ एंड यही था आज का व्लॉग. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. लव यू.